Good morning class. This is our pathology class in which today we will study about the last topic of CNS pathology, that is paraplegia and quadriplegia. इस बीमारी को अपन आम भाषा में पैरालिसिस भी बोल सकते हैं. हाथों पैरों का लकवा मार जाना, केवल पैरों के अंदर पैरालिसिस हो रहा होता तो पैराप्लेजिया कहलाता है. और अगर चारों पार्ट्स में लोअर लिम्स और अपर लिम्स यानी हाथों पैरों चारों का जब पैरालिसिस हो जाता है तो उसको अपन क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं. ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है. तो देखिए दिखाया गया है पैराप्लेजिया में लोअर बॉडी पार्ट्स में पैरालिसिस हो रहा है, जबकि क्वाड्रीप्लेजिया जिसको अपन टेट्राप्लेजिया भी कहते हैं इसके अंदर जो आपके अपर और लोअर बोथ लिम्स हैं उनके अंदर पैरालिसिस हो रहा है. और ये यहाँ पर जो राइट साइड के अंदर वर्टिकल कॉलम का डायग्राम बताया गया है वो इसलिए बताया गया है क्योंकि ये आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है और इसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज हो रही होती है. तो ये देखिए इंजरी बताई गई कि इंजरी के साथ में ये चीज़ें जुड़ी हुई है. तो बॉडी का ये पोस्टीरियर व्यू आपको दोनों डायग्राम के अंदर दिखाया गया है. पैरालिसिस हो रहा है लेग्स की कैविटी में इस राइट वाले में और ऊपर चारों लिम्स के अंदर. पहले वाला डायग्राम क्वाड्रीप्लेजिया का है, दूसरा वाला डायग्राम जो है वो पैराप्लेजिया का है. पैराप्लेजिया में पैरालिसिस हो रहा है ब्लू से बताया गया है आपके लेग के पार्ट के अंदर, जबकि चारों लिम्स का जब पैरालिसिस हो रहा है, जब लेवल ऑफ इंजरी इस जगह पर ऊपर की साइड दिखाई गई है, लेवल ऑफ इंजरी अगर नीचे दिखाई गई है थोरैसिक रीजन में, यहाँ देखो लंग्स के बीच में दिखाई गई है, यहाँ लंग्स के पास में मतलब ये वाला जो सेंटर वाला मिड का पोर्शन है यहाँ पे लेवल ऑफ इंजरी हो रही है, तब तो पैरालिसिस हो रहा है लेग्स में, लेग्स की कैविटी के अंदर पैरालिसिस. जबकि ऊपर लेवल ऑफ इंजरी ऊपर की साइड आपके नेक रीजन में जब हो रही होती है किसी पर्सन के, तो उसमें फोर लिम्स जो हैं वो चारों के चारों लिम्स का पैरालिसिस हो रहा होता है. अब हम एक बार थोड़े से डेफिनेशन देख लेते हैं. पैराप्लेजिया में क्या हो रहा है? इट इज़ एन इम्पेयरमेंट इन मोटर एंड और सेंसरी फंक्शन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़. लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के सेंसरी और या मोटर फंक्शन में इम्पेयरमेंट आ जाए, मतलब वो सही चल नहीं पा रही हैं, तो उस कंडीशन को अपन पैराप्लेजिया कहते हैं. और ये यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से देखने को मिलती है या कोई कंजेनाइटल कंडीशन जैसे स्पाइना बाइफिडा, जो आप लोगों ने अपने मैंने आपको पढ़ाया है एनटीडी के अंदर जेनेटिक्स की क्लास जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर मैंने आपको स्पाइना बाइफिडा पढ़ाया. तो स्पाइना बाइफिडा जैसी कोई कंडीशन आ जाती है जिससे कि न्यूरल एलिमेंट्स स्पाइनल कैनाल के न्यूरल एलिमेंट्स के ऊपर असर पड़ता है तो ये कंडीशन देखने को मिल रही होती है. जबकि क्वाड्रीप्लेजिया जिसको अपन टेट्राप्लेजिया भी कहते हैं, इसमें पैरालिसिस के सिम्टम जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है और चारों लिम्स के अंदर एक्सपीरियंस करता है. हालांकि ज़रूरी नहीं है इसके अंदर टोटल पैरालिसिस हो जाए, टोटल लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है. तो देखिए क्वाड्रीप्लेजिया में C1 से C4 तक देखने को मिल रहा होता है. C1 और C2 में फंक्शनल फ्रेनिक नर्व जो है वो इन्वॉल्व रहती है. C3 में इम्पेयरमेंट आ जाता है. अगर C3 भी इन्वॉल्व हो गई तो इम्पेयरमेंट आएगा ब्रीदिंग में भी और वेंटिलेटर डिपेंडेंट है ये. C4 में ये एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट से हो सकता है फ्री रहे, पर इसके अंदर फंक्शनल इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है जैसा C3 में रहती है. C1 से C4 जो क्वाड्रीप्लेजिक्स है रिक्वायरमेंट असिस्टेंस फॉर ऑल पर्सनल केयर टर्निंग एंड और ट्रांसफ़र फंक्शन, मतलब जब ये C1 से C4 क्वाड्रीप्लेजिया देखने को मिल रहा होता है तो पेशेंट को पूरी तरह से केयर की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि इसमें चारों लिम्स में पैरालिसिस हो गया, पर जरूरी नहीं है कि टोटल पैरालिसिस हो या लॉस ऑफ फंक्शन हो, पर ह्यूमन जो है वो पैरालिसिस के सिम्टम को एक्सपीरियंस कर रहा होता है. इसको अपन टेट्राप्लेजिया भी कह रहे होते हैं. इसमें पर्सन को पर्सनल केयर की ज़रूरत होती है, उसको हिलने डुलने टर्न करने के लिए हेल्प चाहिए, ट्रांसफ़र फंक्शन उसको रिक्वायर्ड रहते हैं. C5 से क्वाड्रीप्लेजिया हो रहा है तो फंक्शनल डेल्टॉइड या बाइसेप मस्क्यूलेचर इसमें इन्वॉल्व रहती है. ये ऐसे केस में खुद खा सकता है, पी सकता है, अपने ओरल फेशियल हाइजीनिक खुद से कर सकता है, अपर बॉडी की ड्रेसिंग एक्टिविटीज़ खुद कर सकता है.
इसमें असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है नहाने के लिए, बॉवल और ब्लैडर की केयर के लिए, मतलब यूरिनेशन और डिफिकेशन के लिए और ट्रांसफ़र के लिए इसको हेल्प की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ अपर बॉडी पार्ट्स के फंक्शन ये खुद से कर सकता है। जबकि C6 का क्वाड्रीप्लेजिया हुआ हो तो मस्क्यूलेचर दैट परमिट्स मोस्ट शोल्डर मोशन वो कर सकता है, मस्क्यूलेचर के एल्बो बेंडिंग कर सकता है, पर स्ट्रेटनिंग वो नहीं कर सकता, एक्टिव रिस्ट एक्सटेंशन वो नहीं कर सकता, रिस्ट का नहीं कर सकता, शोल्डर एल्बो का कर सकता है, अपर लोअर बॉडी की ड्रेसिंग वो परफॉर्म कर सकता है बिना किसी असिस्टेंस के, और कुछ ट्रांसफ़र भी वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है ट्रांसफ़र बोर्ड की हेल्प से। C7 से C8 का क्वाड्रीप्लेजिया हो रहा होता है तो फंक्शनल ट्राइसेप्स होता है, उसका मतलब ट्राइसेप फंक्शनल रहता है, वो बेंड हो सकता है, स्ट्रेट कर सकता है अपने एल्बो को बेंड कर सकता है, स्ट्रेट कर सकता है, फिंगर एक्सटेंशन कर सकता है काफ़ी अच्छे से, रिस्ट का फ्लेक्जन कर सकता है, अपनी कलाई को अच्छे से मोड़ सकता है, टर्न और परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंटली अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को भी। अब ये क्वाड्रीप्लेजिया क्यों होता है, ब्रेन में अगर कोई डैमेज हो जाए तो, ब्रेन के डैमेज की वजह से या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से, जो कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी की वजह से, कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई हो, सेकेंडरी हो गई हो तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, या किसी ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऑटो एक्सीडेंट हुआ हो, गन शॉट वुंड हो गया हो, जैसा हमारे यहाँ पर एक हॉकी के प्लेयर को हुआ था, संदीप सिंह को गन शॉट एक्सीडेंट हुआ था उसका, आपको अगर उसकी हिस्ट्री पता हो तो, आपने हॉकी का वो कैप्टन रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर था और अभी भी बहुत अच्छा वो खेलता है, पर बीच में उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, या कोई गिर गया हो, कोई स्पोर्ट्स की वजह से इंजरी हो गई हो, या फिर कोई डिजीज जैसे कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस, पोलियो या स्पाइना बाइफिडा हुआ हो, ऐसी इंजरी जिसको अपन लेजन कहते हैं, जो कि विक्टिम को पार्शल या टोटल मोबिलिटी को ख़त्म कर देती है चारों लिम्स की, हाथ आर्म्स और लेग्स में, तो वो क्वाड्रीप्लेजिया कॉज कर देती है। तो अपन इसके कॉजेज़ देखें तो भाई मैं आपको बोल करके बता देती हूँ, एक बार इसकी स्लाइड्स देख ले प्रीवियस, ये देखो ये सर्वाइकल नर्व जो ऊपर दी हुई है C1 से लेकर C8 तक, तो यहाँ बताया हुआ है किस किस कौन कौन सी जो है किस किस को कंट्रोल कर रही है, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे देख रहे होती है उसी के अकॉर्डिंग उसमें इंजरी अभी अपन ने पढ़ी थी। तो कॉजेज अगर ब्रेन में, इट इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सेकेंडरी टू एन इंजरी टू द सर्वाइकल स्पाइन, थर्ड वन ट्रॉमा सच एज ऑटो एक्सीडेंट, गन शॉट वुंड, फॉल और स्पोर्ट्स इंजरी, एंड द फोर्थ कॉजेज डिजीज सच एज ट्रांसवर्स माइलाइटिस, पोलियो और स्पाइना बाइफिडा। द इंजरी नोन एज अ लेजर causes victims to lose partial or total mobility of all four limbs, meaning arms and the legs. Now the symptoms of the quadriplegia is impairment to the limbs, first, second, functioning is also impaired in the torso, third, a loss or impairment in controlling bowel and bladder, sexual function, digestion, breathing and other autonomic functions. Fourth, sensation is usually impaired in affected areas, manifested as numbness, reduced sensation or burning neuropathic pain. Because of their depressed functioning and immobility, quadriplegic are more vulnerable to pressure sores, osteoporosis and fractures, frozen joints, spasticity, respiratory complications and infections, autonomic dysreflexia, deep vein thrombosis that is DVT, cardiovascular disease, prognosis, delayed diagnosis of cervical spine injury has grave consequences for the victim. तो symptoms में हमने कहा limbs impaired हो जाते हैं, functioning उनकी impaired हो जाती है, इम्पेयरमेंट में कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोलिंग भी इम्पेयर्ड हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है, जैसे बॉवल ब्लैडर की यानी यूरिनेशन डिफिकेशन पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, सेक्सुअल फंक्शन
इम्पेयर्ड हो जाते हैं, डाइजेशन सही नहीं चल पाता, ब्रीदिंग सही नहीं चलती, ऑटोनॉमिक फंक्शन वो सही नहीं कर पाते, उनमें सेंसेशन ख़त्म हो जाता है जिससे कि नंबनेस यानी सूनापन आ जाता है, सेंसेशन कम होने लग जाते हैं और न्यूरोपैथिक पेन रहता है बर्निंग की वजह से, और कुछ फंक्शनिंग डिप्रेस्ड हो जाती है, इमोबिलिटी डिप्रेस्ड हो जाती है जिससे कि क्वाड्रीप्लेजिक जो पर्संस होते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब उनमें कुछ चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे प्रेशर सोर हो जाता है, बिस्तर पड़े पड़े घाव पड़ जाते हैं बॉडी में, पीछे बैक साइड में घाव हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन की डिसऑर्डर होती है जिसके अंदर बोन्स जो होती है वीक हो जाती है, कि उसमें से कैल्शियम का लॉस होने लग जाता है, तो पोर्स बन जाते हैं बोन्स के अंदर, यह ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फ्रोजन जॉइंट, जॉइंट हिल नहीं पाता, जम जाता है, दर्द होने लगता है उसको हिलाते समय, हाथ ऊपर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। स्पास्टिसिटी, स्पाजम आ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है, अकड़ जाती है चीज़ें। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, सांस नहीं ले पाता है पर्सन क्योंकि स्पास्टिसिटी हो रही है ना, और इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो जाता है। डीवीटी, डीप वेन में थ्रॉम्बस, थ्रॉम्बस होता है ब्लड क्लॉट बन जाता है, लेग की डीप वेन के अंदर क्लॉट बन जाता है, ये डीवीटी का केस होता है जो आप सेकेंड ईयर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस ये डिलेड हो जाता है, कोई सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई हो तो आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। इसके अलावा लगभग 30% जो केसेस है डिलेड डायग्नोसिस के सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के, वो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कॉज कर देंगे भाई, क्योंकि डायग्नोस हो नहीं पा रहे तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो 30% केसेस में तो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। हाई लेवल सर्वाइकल इंजरीज, टोटल पैरालिसिस हो जाता है नेक की वजह से। हाई लेवल का क्वाड्रीप्लेजिक हो सकता है C5 या उससे अबव कुछ हो रहा होता हो, विल लाइकली नीड कॉन्स्टेंट केयर, तो ऐसे में कॉन्स्टेंट केयर उनको चाहिए, असिस्टेंस चाहिए थिंग्स के लिए जैसे कि ड्रेस पहनने के लिए, ईटिंग के लिए, बॉवल ब्लैडर हेल्प के लिए, ये अपन ने अभी अभी सारे पॉइंट्स बोले हैं, ये मैंने पढ़ाया है आपको। लो लेवल का क्वाड्रीप्लेजिक C6 से C7 तक अगर हो रहा हो तो वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सकते हैं, इसलिए मैंने खोला हुआ है कि कौन से पार्ट में क्या क्या रोल प्ले हो रहा होता है। इवन विद कंप्लीट इंजरीज इन सम रेयर केसेस थ्रू इंटेंसिव रिहैबिलिटेशन, स्लाइट मूवमेंट कैन बी रिगेन्ड थ्रू रीवायरिंग न्यूरल कनेक्शंस, एज इन द केस ऑफ लेट एक्टर क्रिस्टोफर रीवी के अंदर ये डिसऑर्डर हुआ था, तो उसने काफ़ी अच्छे से उसका ट्रीटमेंट लिया, थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो C1 सर्वाइकल नर्व को जो इंडिकेट कर रही है, C2 हेड और नेक में प्रॉब्लम आएगी अगर C2 में कुछ इंजरी हो रही है, C3 में डायफ्राम में प्रॉब्लम, C4 से डेल्टॉइड और बाइसेप्स के अंदर, C5 में रिस्ट एक्सटेंडर में प्रॉब्लम आएगी, C7 में ट्राइसेप्स, C8 में हैंड के साथ में जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट्स है इसी से जुड़ी हुई कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर आपका क्वाड्रीप्लेजिया ख़त्म, नेक्स्ट पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया में आप ये लैंग्वेज पढ़ें, उससे पहले इसका इंट्रो पढ़ लीजिए। पहला तो ये आर्म्स और हैंड्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, केवल लोअर बॉडी पार्ट पे इसका असर होता है। और पैराप्लेजिया की मैंने डेफिनेशन बताया, इट इज़ एन इम्पेयरमेंट इन मोटर एंड और सेंसरी फंक्शन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, इट इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और कंजनाइटल कंडीशन सच एज स्पाइना बाइफिडा विच अफेक्ट्स द न्यूरल एलिमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कैनाल। द एरिया ऑफ द स्पाइनल कैनाल विच इज अफेक्टेड इन पैराप्लेजिया इज आइदर द थोरेसिक लंबर और सैक्रल रीजन्स। इफ द आर्म्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई पैरालिसिस, टेट्राप्लेजिया इज द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी भाई। अगर आर्म्स इन्वॉल्व हो गए तो टेट्राप्लेजिया बोलेंगे, नहीं तो अपन उसको पैराप्लेजिया बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मैंने कहा कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, मेनली थोरेसिक पार्ट, इसके अलावा लंबर और सैक्रल रीजन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। थोरेसिक में T1 से T8 तक अगर है तो आर्म्स का कंट्रोल रिटेन रहता है, आर्म्स और हैंड्स का कंट्रोल रिटेन रहता है, पुअर ट्रंक कंट्रोल रहता है, बैलेंस पुअर कंट्रोल रहता है बैलेंस में भी, क्योंकि पुअर एब्डोमिनल मसल कंट्रोल है, इस वजह से बैलेंस वगैरह सब में इनमें प्रॉब्लम आ रही होती है। और अगर T9 से T12 तक है तो रिटेन गुड ट्रंक एन लिख लीजिएगा इसके अंदर, ये थोड़ा सा गलत आ गया है, सी आ गया एन की जगह, इसको सही कर लीजिएगा। तो गुड ट्रंक कंट्रोल एंड गुड एब्डोमिनल मसल कंट्रोल, तो ट्रंक और एब्डोमिन की मसल्स का अच्छा कंट्रोल रहता है अगर T9 से T12 में अगर इन्वॉल्व रह रहा है तो।
सिटिंग बैलेंस जो लोगों का है वो लोअर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से देखने को मिल रहा होता है, पर वो भी यूजुअली वेरी गुड, अच्छा ही रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है, सिटिंग बैलेंस बना रहेगा। लंबर सैक्रल रीजन की अगर इंजरी हुई होती है तो डिक्रीज कंट्रोल ऑफ द हिप फ्लेक्सर्स एंड लेग्स, लेग्स और हिप फ्लेक्सर में प्रॉब्लम आएगी। अब कॉजेज क्या क्या होते हैं भाई पैराप्लेजिया के, तो कॉजेज की रेंज में ट्रॉमा हो जाए, ट्यूमर हो जाए, माइलेटस ट्रांसवर्स हो जाए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाए पॉलीन्यूरोपैथी के साथ में, तो ये कॉजेज है। तो कॉजेज में क्या बोला मैंने, ट्रॉमा दैट इज़ एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और ट्रांजेक्शन और कंप्रेशन ऑफ द कॉर्ड यूजुअली बाय बोन फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द वर्टिबल फ्रैक्चर। सेकेंड कॉजेज ट्यूमर्स like chronic compression of the which cause chronic compression of the cord. Third cause is myelitis transverse. Fourth multiple sclerosis and fifth peripheral nervous system polyneuropathy may cause paraplegia if motor fibers are affected. और paraplegia के complications क्या होते हैं भाई, due to decreased movement and loss of the ability to run, paraplegia may cause numerous medical complications. Many of which can be prevented with vigilant self-care. These includes pressure sore, also known as decubitus. Second, thrombosis. Third, pneumonia. Physiotherapy and various assistance technologies such as standing frame may aid in preventing these complications. तो हमने कहा कि क्योंकि भाई paraplegia में person ना तो भाग पा रहा है ना movement कर पाता है, सारी movement कम हो जाएगा, भागने वाली ability loss हो जाती है, इस वजह से काफ़ी सारी medical complications हो सकती है पैराप्लेजिया की वजह से, जैसे प्रेशर सोर हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। अरे ये वाले दोबारा से रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, स्लाइड को आप एस्केप कर दीजिए। अब पैथोफिजियोलॉजी देखिए भाई, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से मैंने कहा कि कॉर्ड पैरेन्काइमा एक्चुअली डिस्ट्रक्ट हो जाती है। डायरेक्ट ट्रॉमा मैंने फर्स्ट कॉज बोला ही था, तो उससे हो क्या रहा होता है, कॉर्ड पैरेन्काइमा डिस्ट्रक्ट हो जाती है, या फिर पर्सन को बोन फ्रेगमेंट की वजह से, हिमाटोमा की वजह से या डिस्क मटेरियल की वजह से हो सकता है कंप्रेशन हो गया होगा या इस्चीमिया हो गया होगा स्पाइनल आर्टरीज में इम्पिंगमेंट की वजह से या डैमेज की वजह से। तो इस्चीमिया, कंप्रेशन और डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से एक कंडीशन अराइज हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड पैरेन्काइमा जो डैमेज हो रहा होता है उसको अगर अपन क्लासिफाई करें तो कॉन्क्यूजन, कॉन्ट्यूजन और लेसिरेशन। ये कॉन्क्यूजन, कॉन्ट्यूजन मैंने आपको शायद पहले ही पढ़ाया था जहाँ मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, तो ये आपको आता है वहाँ से, आप अपनी डेफिनेशन, वैसे तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को याद होगी ये डेफिनेशन, जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है देखिए उठा करके खोलिए नर्वस सिस्टम, वहाँ मैंने पढ़ाया है। कॉन्क्यूजन में ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल साइंस दिखाई दे रहे होते हैं जिसमें रैपिड रिजोल्यूशन होता है डेफिसिट्स में, जो डेफिसिट्स है जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है उनमें रैपिड रिजोल्यूशन देखने को मिल रहा होता है ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल साइन के साथ में। कॉन्ट्यूजन में कंप्रेशन की वजह से हो रहा होता है तो ग्रॉस स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी कॉर्ड की जो है वो इंटैक्ट रहती है, बिगड़ती नहीं है। लैसिरेशन में डिसरप्शन आ जाता है सबक्यूटेनियस में जिसकी वजह से वर्टिबल कॉलम में सीवियर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा होता है। तो कॉन्क्यूजन, कॉन्ट्यूजन, लेसिरेशन कंडीशंस है, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अब कॉजेज क्या हैं, ट्रॉमेटिक कॉजेज जो हमने कहा भाई, किसी का कार से एक्सीडेंट हो गया हो, कोई स्पोर्ट्स से एक्सीडेंट हो गया हो, गन शॉट मैंने बताया ना संदीप सिंह को हुआ था, हमारा प्लेयर था बहुत बेस्ट, देखिएगा इस पर तो मूवी भी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनाई गई है, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसे उसने फॉरेन में जाकर के इसका ट्रीटमेंट लिया था। और स्टैबिंग इंजरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कोई बहुत हाइट से गिर गया हो या इलेक्ट्रिक शॉक की किसी को इंजरी हुई हो, डाइविंग एक्सीडेंट हुआ हो सडन डीप्रेशराइजेशन की वजह से, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना गोताखोर पानी में बहुत गहरे तक जाते हैं समुद्र के अंदर, तो वो जैसे अचानक बाहर निकलते हैं तो उसे डीप्रेशराइजेशन हो जाता है, तो डाइविंग एक्सीडेंट्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए ज़्यादा शौकिया तौर पे। दूसरे कॉजेज में एरेकोनाइडाइटिस हो जाता है जिसमें एरेकोनाइड मैटर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रेन में होता है ना एरेकोनाइड मैटर, उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर रूमेटिक डिजीज़ की वजह से कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाए तब भी ये पैराप्लेजिया वगैरह कॉज हो सकते हैं।
इन सब नॉर्मल कॉजेज के अलावा कुछ मेडिकल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन या पैरास्टिक कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइट का इन्फेक्शन, वैस्कुलर कॉज, ट्यूमर रिलेटेड कॉज हो सकता है, पहले कॉज में कोई स्पाइनल कॉर्ड में पस पड़ गया हो, पॉट्स डिजीज़ जिसमें क्या हो जाता है टीबी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इसको पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, ट्यूबरकुलस एप्सिस, तो स्पाइनल कॉर्ड में पस पड़ जाएगा टीबी के इन्फेक्शन से, या ट्यूबरकुलस एपिड्यूराइटिस हो गया, शिस्टोसोमियासिस हो गया, बिलहार्जियोसिस हो गया, ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है, पैरासाइट के इन्फेक्शन से होती है। दूसरा वैस्कुलर कॉजेज में स्पाइनल कॉर्ड में इस्चीमिया की वजह से सॉफ्टनिंग हो गई हो, इस्चीमिया लैक ऑफ ब्लड सप्लाई को कहते हैं, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाएगा, माइलोमलेशिया हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन क्या होता है भाई, इसमें नेक्रोसिस का एरिया दिखाई देता है, इन्फेक्शन ही है ये, इन्फेक्शन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉइंट मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है पहले भी। इन्फेक्शन क्या होता है, नेक्रोटिक एरिया, इस्चेमिक नेक्रोटिक एरिया को अपन कहते हैं, तो यहाँ इस्चीमिया की वजह से नेक्रोसिस हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन कहलाता है ये। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस स्पाइनल एक्स्ट्राड्यूरल हीमेटोमा की वजह से भी हो जाता है, हीमेटोमा हेमरेज का फॉर्म है भाई। स्पाइनल आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन हो गया हो किसी को, जिसको आप एंजियोमा भी कहते हैं, और एओर्टिक एन्यूरिज्म, जिस एन्यूरिज्म क्या है, ब्लड वेसल का डाइलेशन, मैंने आपको CVS में पढ़ाया है, ये नाम आया था आपके CVS में, डायलेशन हो जाता है आर्टरीज का, वन साइड या बोथ साइड में हो सकता है, ये आप पैथो में भी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्यूमर रिलेटेड कॉजेज में न्यूरोलियोमास हो जाते हैं, इसके अलावा स्पाइन में मेटास्टासिस हो सकता है भाई, किसी और जगह पे कोई ट्यूमर हुआ हो, मेटास्टाइज्ड होकर के स्पाइन में आ गया हो, यानी मेटास्टासिस क्या होता है, दूर डिस्टेंट प्लेसेस पर फैल जाना ट्यूमर का। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की वजह से हो सकता है, हॉजकिन डिजीज़, लिम्फ की डिजीज़ है ये, और माइलोमा हो गया हो। साइन क्या है भाई इसके, मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, बॉवल ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी या स्पाज़म ज़्यादा बिगड़ जाता है, सेक्सुअल फंक्शन चेंज हो जाते हैं, सेक्सुअल सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, फर्टिलिटी बेचारी बिगड़ जाती है, सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो गए तो फर्टिलिटी तो डिस्टर्ब ऑब्वियस से होएगी, पेन और टिंगलिंग होने लग जाती है, सुन्नापन अंगुलियों वगैरह में आने लग जाता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, कफ रहने लगता है, लंग्स का सीक्रीशन जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, तो ये सभी साइंस हैं पैराप्लेजिया के भी और क्वाड्रीप्लेजिया के भी। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पेन रहने लगेगा पर्सन को, ब्लड क्लॉट हो सकता है, DVT अपन बोल ही रहे थे, प्रेशर सोर हो जाता है, बिस्तर पे लेटे लेटे एक ही जगह बैठे बैठे तो प्रेशर सोर हो जाएगा, या फिर वो पार्ट अगर दब जाए तो ब्लड फ्लो हो नहीं पाता है, जैसे आप किसी से मिलने गए पर्सन से, पैरालिसिस वाले पेशेंट से, चद्दर ओढ़ा हुआ है उस बेचारे को तो पता चल नहीं रहा, और आपने उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल दिया तो बेचारा बोल पाता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है उसमें इस्चीमिया अराइज हो जाता है और उससे सोर हो जाता है, घाव हो जाता है, इसको आप प्रेशर सोर कहते हैं, तो ये प्रेशर सोर है। इसके अलावा कोई और ऐसे रिलेटेड इंजरीज हो गई हो, स्पास्टिक मसल हो गया हो, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो जाता है, और ब्लैडर बाउल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। बस इसके साथ आपका ये लास्ट टॉपिक CNS का यहीं ख़त्म करते हैं, अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए तक काफ़ी है।